भक्ति करता है उसके बाद भी बहुत बाधाएं आ जाती है। तो बाधाएं भक्ति में बाधा नहीं आती, कोई बाधा तो प्रारब्ध के कारण आती है और कुछ अपनी गलती से आती है, वो तो हमेशा आती रहती है, भक्ति करे तो ना करे तो। भक्ति बाधा को समाप्त करती है, वो बाधा बुलाती नहीं है, क्योंकि भक्ति जो है वो भगवान की होती है और भगवान भक्त की हेल्प करता है, उल्टा नहीं करता। लेकिन बाधा बाधा तो ये संस्कार के कारण भी आती रहती है, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के ऊपर आती है। महाराज जैसे कहते हैं कि माया ने, माया आदि जब भगवान की भक्ति करने का आदमी तो माया उसको भोग करती है, माया को तो भक्ति भगाती है, माया आती बाती नहीं है, माया की हिम्मत है यानी कि ताते अति डरपत यह माया, भगवान की भक्ति करने वालों से तो कांपती है माया, माया वाया वाया नहीं आती है। लेकिन प्रारब्ध भोग अगर है कोई खराब तो वो आता है, साधक पर भी आता है, सिद्ध पर भी आता है। और ये सोचना एकदम गलत है कि भक्ति करने वाले के लिए बाधा विघ्न आती है कि भक्ति न करे। अरे भगवान भक्ति कराना चाहते हैं, वो क्यों रोकेंगे, और उनकी नौकरानी माया उसकी हिम्मत है। विराजमानया जस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया, भक्ति के आगे तो माया खड़ी नहीं हो सकती, उसकी हिम्मत नहीं है। भक्त को तो भगवान प्राण देने को तैयार है, उनके पीछे पीछे चलते हैं, वहां माया वाया क्या। हाँ साधक है, अभी अभी पूरा भक्त नहीं हुआ है, तो भी विघ्न बाधा भक्ति से हटती है, आती नहीं है, ये कभी स्वप्न में न सोचना। कोई भी विघ्न आता भी है तो भक्ति उसका मुकाबला करती है। भगवान से आपका प्यार है और कोई नुकसान हो गया आपका धन का, या कोई बीमार हो गया घर में, तो वो भक्ति आपको इतनी शक्ति देती है कि उसकी फीलिंग कम होती है, नहीं के बराबर होती है, उल्टा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं सोचा। भगवान तो भक्त का योग क्षेम बहन करते हैं, भक्त के अंडर में होते हैं, वहां विघ्न बाधा क्या आएगी।